माँ पापा चलिए केक काट लेते, आइए ना सब लोग। आपको भाई साहब बधाई हो। इतने दिनों बाद तुम्हें घर में देख के अच्छा लगा, वरना हमेशा मुलाकात तो रास्तों पे ही होती थी। अब तो थोड़े ही दिन है हमारे यहाँ, फिर तो आप विदा करवा के अपने घर ले जाएंगी। वैसे दामाद जी भी आ जाते तो बड़ा अच्छा होता, हम सब उन्हें मिल भी लेते, भूमि भी उन्हें देख लेती। अबे बालकनी मुझे अंदर लेके जाएगी। एक सेकंड। शायद कोई है। अरे ये लड़की कोल्ड ड्रिंक लेने गई है या बनाने गई है, इतना टाइम? खाना तैयार है माँ जी। भूमि बेटा वरुण कहाँ है? पता नहीं ताई मासी, मुझे भी नहीं दिखा। बेटा उसे ढूंढ के उसे खाने पे आने के लिए बोल दे। जी। ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ मंडराती रहती है। एक तो भाभी माँ वैसे ही मान की वजह से गुस्सा है, अब ये भी गायब हो गई तो भाभी माँ के गुस्से का बॉम्ब तो मेरे सर पर ही फटेगा। अब मैं क्या करूँ भोलेनाथ? वसुंधरा जी चलिए भोजन कर लीजिए। अरे तुम कोसोगी अपने आप को कि क्यों तुमने खुद को एक चांस नहीं दिया। प्लीज भूमि हाँ कह दो, बस एक बार कह दो, फिर देखना मैं अभी जाके तुम्हारी फैमिली से बात करूंगा और मैं अपनी फैमिली को भी मना लूंगा पक्का। सिर्फ एक बार हाँ कह दो भूमि, एक बार हाँ कह दो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ये बातें मेरे घर वालों से बढ़के नहीं है। कहा था ना तुमसे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, अभी के अभी इस घर से चले जाओ। भूमि, शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया। अब फिर ये भी हो सकता है कि मेरी किस्मत में ही कोई कमी हो, कि तुमसे प्यार तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हो सका। मैंने बचपन से यही सुना, यही पढ़ा कि किसी की मुस्कान देखकर ही लोगों को प्यार होता है, लेकिन मैं शायद दुनिया से बहुत अलग हूं। मुझे एक अनोखी लड़की से, एक अनोखे तरीके से प्यार हुआ। मुझे तुम्हारी स्माइल से नहीं, तुम्हारे इन आंसुओं को देखकर तुमसे प्यार हुआ। तुम्हें याद है भूमि, जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुम ऐसे ही रो रही थी, और उस दिन तुम्हारी इन मासूम आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देख के मुझे यहां बहुत हर्ट हुआ था, बहुत बुरा लगा था। और उस दिन मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी इन आंखों में अब आंसू कभी नहीं आने दूंगा, लेकिन आज फिर मेरी वजह से, मेरे प्यार की वजह से तुम रो रही हो। भूमि शायद तुम्हें खुश रख पाना मेरी किस्मत में ही नहीं, and I'm really sorry.